नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। करवा चौथ के दिन जहां एक महिला पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पूरे दिन भूखी प्यासी बिना पानी पिए निर्जला व्रत रखती है, लेकिन वही पति शाम को एक ऐसी वारदात को अंजाम देता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, जालौन से खबर आ रही है जहाँ पर एक पति ने करवा चौथ के दिन पत्नी को फावड़ा मार दिया सर में से और गंभीर रूप से घायल हो गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेश जी, जब एक करवा चौथ में एक महिला पति की लंबी उम्र की कामना के लिए एक व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है भूखी प्यासी रहकर, ऐसे में एक पति ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, क्या है पूरा मामला? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं, पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुसमरा का सामने आया है। जी, जहाँ पर कल करवा चौथ था तो देर रात पत्नी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो व्रत रखा था उसको लेके ये सब प्रोसेस चलता है, लेकिन किसी बात को लेके किसी क्या जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है साफ सफाई को लेकर आपस में दोनों में थोड़ा सा आपस में कहा सुनी हुई है और कहा सुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ गई है कि पति ने गुस्से में आकर पास में रखा फावड़ा उसके सर पर दे मारा है। जी, तो ये बात विवाद पति पत्नी का सफाई को लेकर हुआ था, यानी कि मामूली सी बात है। बिल्कुल, आजकल लोगों में सहनशीलता खत्म हो गई, जहाँ एक तरफ महिलाएं व्रत रखती हैं पति की लंबी उम्र के लिए, लेकिन एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच इतना सामंजस्य नहीं होता कि विवाद हो जाता है और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है। बिल्कुल नवीन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल जो है पति पत्नी के बीच सामंजस्य की कमी को साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब चाहे उसको वैचारिक मतभेद के रूप में देखा जाए या सामंजस्य ना बैठने के रूप में देखा जाए, लेकिन ये घटनाक्रम जो आया है निश्चित तौर पर अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि जरा सी बात पर पति ने इतनी गुस्से में आकर उसके ऊपर सर पे फावड़ा मारा है। और ये आप एक चीज और देखिए कि फावड़ा मारने के बाद उसको मरी हुई समझकर वो बंदा सीधा अपने वहां से गाँव से पैदल कोतवाली जालौन आया है, यानी लगभग 9 किलोमीटर वो बंदा पैदल चलकर आया है कोतवाली में, और आकर उसने अपने कहा कि भाई हमने पत्नी को फावड़े से मार दिया है और हम यहाँ आ गए हैं, आप लोग परेशान मत होइए। तो जब हमने उससे बात की तो उसका कहना ये था, हमने पूछा उससे, हमने कहा भाई क्या हालत क्या है आपकी पत्नी की, बोले हमें नहीं पता, लगभग बोले मर गई होगी। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने वहां जब चीख चिल्लाने की आवाज सुनी घर में तो दौड़ के गए हैं वहां, जब देखा है कि रक्त रंजित अवस्था में वो जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही थी तो तत्काल एम्बुलेंस सेवा को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हुए एम्बुलेंस सेवा को फोन किया और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको तुरंत फौरी तौर पर जो फर्दर ट्रीटमेंट होता है उसको देने के बाद उसको गंभीर अवस्था देखते हुए मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया था, और मेडिकल कॉलेज में भी उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उसको जिला चिकित्सालय झांसी के लिए अभी भी रिफर किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और स्थिति गंभीर है अभी भी। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की इस मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है और जब वो थाने पहुंचा है तो पुलिस ने भी तत्काल सजगता दिखाते हुए उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में लिया है और अंदर थाने में बिठाया है और पूरे मामले की घटनाक्रम को जो है जो भी उसके पहलू हैं उसको लेकर जाँच में जुट गई है। युवक खुद थाने पहुंचा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे इस वारदात के बाद खुद भी खुद पर थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ होगा कि उससे गलत हुआ है और शायद वो इसीलिए थाने पहुंचा अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए। इसको नजरिया थोड़ा सा बदल के भी देख सकते हैं कि उसका कहना ये था, हमने उससे बात की, उसका कहना ये था कि काहे को पुलिस परेशान होगी हमको ढूंढने के लिए, तो बोले हमने मारा है, हम खुद ही थाने आते हैं। ऐसे में एक बात और सामने आती है, क्या ये युवक जो है सनकी है, मानसिक रूप से कुछ परेशान है क्या? अब देखिए, अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी हुई, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो बात कर रहा था, मीडिया से बातचीत कर रहा था, उसके चेहरे के जो हाव-भाव थे वो कहीं ना कहीं कुछ और इशारा जरूर कर रहे थे। अच्छा, इसमें कुछ और बाहर से बातें सामने आई हैं क्या? परिजनों, महिला के परिजनों या युवक के परिजनों ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, उनका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों से जब हमने खुद इसकी पड़ताल की है तो एक चीज बाहर निकल के आ रही है कि इस जो व्यक्ति है इसका ये दूसरा विवाह था, इसकी दूसरी पत्नी थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मामला कुछ और रंग दे, लेकिन अभी ये पुलिस जांच का विषय है, इसमें कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी पूरी जानकारी के लिए। तुमने मार दो है कहाँ?
है औरत कहाँ है तुम्हारी? घर पे है। घर पे? हरुआ कहाँ है? तो तुम्हें तो कॉल वाले हो। तो नाम क्या है तुम? पिताजी को नाम क्या है? कौन गाँव? कुशमरा। अच्छा, घरवाली को नाम क्या है? उम्र क्या है कलावती की? कहाँ मार दो तुमने? फरुगो मार दो। कहाँ पे मारो? खोपड़ी में। किस बात को लेके झगड़ा हुआ है? अरे कुछ नहीं सर, काम करते भूल जा रहे थे प्रधान। हाँ, रोज नहीं जाते जा रहे हम। जा रहे सवेरे। हाँ, जो नहीं पोतो वो नहीं पोतो। हमने तो हमारा कपड़ा नहीं तो उन्हें पोतो तो हम पोतने हैं अपने। हाँ, ये मारो फलाना ढिकाना भी खुदरना। इस समय का कहाँ है वो घरवाली आपकी? घर पे है। जिंदा है मर गई? हम नहीं पता सर, हम नहीं पता। वैसे कुछ आइडिया? ये थे हमारे संवाददाता देवेश कुमार सोनकर, जो इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ वीकेंड।